हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो पढ़ाई करने का तरीका होता है, सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो आपको अभी से लग जाना होगा, जी जान से तैयारी करनी होगी। भर्ती का इंतजार ना करें और ये मत सोचें कि भर्ती आ गई तब हम पढ़ाई कर लेंगे, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। और यदि आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर जब तक वैकेंसी आती है और जब तक एग्जाम होगा उस समय तक आप इतने बेटर कंडीशन में होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको परीक्षा में बैठने की देरी होगी और आप कंपटीशन निकाल ले जाएंगे। इसी तरह से इसीलिए आप जो है अभी से कंटिन्यू पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बने रहे और आप एग्ज़ाम आते आते अपनी तैयारी को अच्छे से कर डालें। तो चलिए, आज हमारा जो प्रैक्टिस नंबर है वो शायद 25वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि हमारा मैथ का है। इसमें हम लगभग 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप सुपर टेट के साथ साथ लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बेसिकली जो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें जो दो दूरी दी गई है, देखिए एक रेलगाड़ी की दूरी है और एक पुल की दूरी है, जिसको आप मर्ज करेंगे तो टोटल आ जाएगी आपकी दूरी। ठीक है, सबसे पहले आप दूरी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को आप जोड़ लेना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी बराबर हो जाएगा आपका जो रेलगाड़ी की लंबाई है 110 मीटर प्लस 165 मीटर जो पुल की लंबाई है, तो इसको जोड़ लीजिए 165 मीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 275 मीटर। ठीक है, 275 मीटर हो जाएगा ये, 5, 6, 7, 1, 1, 2। ठीक है, 275 मीटर ही ये आ गया। अब क्या आई, ये दूरी आ गई, आपको चाल दी हुई है। चाल कितनी है, चाल दिया आपका 132 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना समय, समय आपको फाइंड करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे चाल। ठीक है, ये इसमें आप रखेंगे तो आपका जो है इस सवाल का सलूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें हम इसको रखेंगे। तो आइए इसको रखते हैं। ठीक है, देखते हैं दूरी कितना दिया है, 275 मीटर, और चाल कितनी दी है, 132 किलोमीटर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दूरी आपका मीटर में है और चाल आपका किलोमीटर में है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 18/5 से गुणा करना होगा। 18/5 से आप यदि गुणा कर लेंगे तो हमारा ये हिसाब बराबर हो जाएगा और जो हमारा समय आएगा तब वो सेकेंड में निकल के आ गया, क्योंकि हमको समय सेकेंड में पूछा गया है। इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 5 25 कट जाएगा, 3 6 18 होता है, 3 चौके 12 और 1 बचेगा 12, 3 चौके 12। ठीक है, फिर काटिए, 4 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 और फिर 2 3 6, ये कट गया। फिर ये एक बार कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 5 55, अब कितना आ गया, 5 × 3/2 आ गया, 5 × 3/2, यानी कि 5 3 15 और बटे 2। सो काटेंगे तो कितना आएगा, 7.5, यानी कि 7.5 सेकेंड हमारा आ जाएगा, यानी कि वो जो रेलगाड़ी है 7.5 सेकेंड में उस पुल को पार कर जाएगी। दोबारा एक बार समझ लीजिए, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आपको दूरी फाइंड करनी है, दूरी फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो पुल की लंबाई है दोनों को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दूरी आ जाएगी, यानी कि 275 मीटर आपके पास दूरी आ गई। अब चाल कितनी दी हुई है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, चाल दे दिया, हमसे समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा, ये समय बराबर भी। इसके पहले हमने इसको फाइंड किया है समय बराबर,
दूरी बटे चाल। तो हमको समय फाइंड करने के लिए दूरी हमारा 275 मीटर है और चाल हमारा 132 मीटर है। चूँकि दूरी मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर में है, इसको एक रेशियो में लाने के, यानी कि सेकंड में हमको समय चाहिए, तो सेकंड में बदलने के लिए इसको 18/5 से जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा ये भी हो जाएगा उसी में। सो काटेंगे तो 15/2 आएगा, जिसको 7.5 सेकंड हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा 5, 3, 8, 3, 5, 3, 7, 2, 9 और फिर 3 का आपको बहुलक बताना है, का बहुलक ज्ञात करें। आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 3, सी हो जाएगा 7 और डी हो जाएगा 8। ठीक है, तभी आपने बचपन में यानी कि हाई स्कूल में और नाइन्थ में आपने खूब पढ़ा होगा बहुलक बताने के लिए। इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले आप संख्या को आरोही क्रम में लगा लीजिए, या फिर यदि आप आरोही क्रम में नहीं लगाते हैं तो संख्या को गिन लीजिए कि संख्या कौन सी ज़्यादा बार है। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, इसमें 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, 2 है, ठीक है, इतनी संख्या है। सबसे पहले देखिए क्या है, 5 देखिए कितनी बार आया हुआ है, तो 1 जो गिन लीजिए उसको कट कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यानी 5 कितनी बार है, 2 बार है। अब बार ये 3 की, 3 कितनी बार है, 1, 2, 3 और यहाँ 4, 3 कितनी बार है, 4 बार है। अब बार ये 8 की, 8 कितनी बार है, तो 8 सिर्फ एक ही बार है, तो 8 एक बार हो जाएगा। अब 7 है, 7 भी एक ही बार है, 2 है, 2 भी एक ही बार है और 9 है, 9 ही एक ही बार है। तो ये ना तो 7 है, 2 और 9 ऑप्शन नहीं है, तो सीधे सीधे कट जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3, ठीक है, 3 4 बार आ रहा है, इसीलिए 3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा सांख्यिकी से आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आप इसको बेधड़क प्रैक्टिस करते रहिए, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात, आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात जो है 3:4 है, ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं 92 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। 92 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
हमको त्रिभुज का आधार एवं शीर्षलंब, चलिए त्रिभुज का जो आधार है, आधार हमने ये तीन संबंध चार दिया है, तो आधार हमने 3x मान लिया, और जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब है हमने इसको 4x मान लिया, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे आधार नहीं है, ऊंचाई नहीं दिया, शीर्षलंब दिया था, हम इसको शीर्षलंब लिखेंगे, शीर्षलंब, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। अब इसमें इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, क्षेत्रफल क्या दिया है, 1176 सेंटीमीटर हमको क्षेत्रफल दे दिया है, ये दिया है 1176 सेंटीमीटर हमको क्षेत्रफल दिया है। अब इसको निकालिए, 1/2 हो जाएगा, आधार हमने कितना माना है, 3x माना है, तो हमने 3x लिख दिया, यहाँ पर जैसे दिया वैसे लिख देंगे, शीर्षलंब हमने 4x माना है, तो हमने इसको 4x लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, इसको 2 से आप यहीं काट सकते हैं आसानी होगी, 2 × 2 2 × 5 = 10, 1 × 5 = 17, 2 × 8 = 16, 1 × 5 = 16, 2 × 8 = 16, 588 बराबर हो जाएगा 3×4 = 12x², 588 = 12x², यहाँ से आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 588/12, 12 × 48 12 × 48 2 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, 1 × 4 = 18, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 9 = 18, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको यहाँ से नहीं काटना है, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए पहले, 1176 बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 1176 बराबर 12x² / 2, ठीक है। अब काटिए इसको, 2 × 2 2 × 6 = 12, ठीक है, ये स्क्वायर है, कितना आ जाएगा, 6x² बराबर 1176, इसको जब काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाए, x² बराबर हो जाएगा 1176/6, 6 से काटिए, 5 × 5 = 57, 6 × 9 = 54, 3 × 6 = 36, 196 आ गया, x² बराबर आ गया 196, 196 किसका वर्गमूल है, 14 का वर्गमूल है, तो x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है, x बराबर आ गया 14। हमसे पूछा शीर्षलंब, शीर्षलंब कितना हमारा 4x है, तो 4x शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा, जो शीर्षलंब वो है 4x, तो 4 × x का मान कितना है, 14 है, तो 14 लिख देंगे, 14 × 6 = 56, 56 सेंटीमीटर, तो शीर्षलंब कितना आ गया, शीर्षलंब आ गया 56 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1176 सेंटीमीटर², और त्रिभुज का आधार हमने मान लिया 3x और शीर्षलंब मान लिया हमने 4x, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, या फिर ऊंचाई होता है, ये इसका पूरा फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सवाल में दे दिया है 1176 सेंटीमीटर², इसके बराबर में हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो 1/2 गुणे 3x गुणे 4x, 1176 बराबर हो जाएगा 12x², ठीक है। तो हमको यहाँ से 2 से काटेंगे तो आएगा 6x², 6x² बराबर हो जाएगा 1176, 1x² बराबर हो जाएगा 196, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 14। शीर्षलंब का मान हमको पूछा है, तो शीर्षलंब हमने 4x माना है, तो 4x में जब x की वैल्यू रखेंगे हम, तो आएगा 56 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट होने वाला है, आप यदि बने हैं तो बने रहिए।
इसके साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हम उसका समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगला जो हमारा क्वेश्चन है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि दो वर्षों में दर से कोई निश्चित धनराशि दो वर्षों में 2420 तथा तीन वर्षों में 2662 हो जाती है, 2662 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बताना है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन ये रहे 6%, 8%, 10% या फिर 12%। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको करना क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, उसी पे आप इसको रखेंगे। ये देखिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज समान रहे, कोई निश्चित धनराशि, धनराशि भी क्या रहे, निश्चित रहे, तो आपको इस कंडीशन में इस तरह का ही आपको यूज कर सकते हैं। आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे। ब्याज की दर बराबर, ब्याज दर बराबर a2 माइनस a1 बटे a1 इंटू 100, इसी पे आपको लगा देना है। a2 इट मीन्स जो दूसरा ब्याज, दूसरा अमाउंट है, a1 मीन्स जो पहला अमाउंट है, a1 मीन्स पहला अमाउंट गुड 100 कर देंगे। तो a2 कितना हमारा है, a2 इन द सेंस जो दूसरा हमारा मिश्रण हो रहा है, तो कितना है 2662 है। a1 कितना है हमारा, ये है 2420 बटे a1 कितना हमारा, a1 है हमारा 2420 और गुड़े 100 कर देना है। इसमें से इसको माइनस करिए तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 242 बटे 2420 और गुड़े 100। 0 से 0 गया, 242 खत्म, कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि 10% वो दर होगी वार्षिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोबारा देखिए, समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि दो वर्ष में 2420 तथा तीन वर्षों में 2662 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए a2 माइनस a1 बटे a1 इंटू 100 करेंगे, इसमें रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2662 माइनस 2420 बटे 2420 करेंगे गुणे 100, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 242 बटे 2420 गुणे 100, इसको काटेंगे तो आएगा 10%, और यही इस सवाल का सही जवाब है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।